इस वक्त आपको रूबरू कराते हैं एक बड़ी खबर से। जी हां, इस वक्त यूपी से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी का बयान। लखनऊ पहुंची थी दौरे पर स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, और उन्होंने बयान दिया है। डीआरएम और उनकी टीम ने मुझे दिया समय। स्मृति ईरानी लखनऊ के दौरे पर है। उत्तर प्रदेश में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में करेंगी विकास कार्य, कहना है स्मृति ईरानी का। तो अमेठी 550 करोड़ के विकास कार्य होंगे शुरू। उत्तर प्रदेश में इस वक्त दौरे पर हैं, अमेठी के दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। लखनऊ, डीआरएम और उनकी टीम ने मुझे दिया सम्मान समय। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में करेंगे विकास कार्य, कहना स्मृति ईरानी का। केंद्रीय मंत्री है और अक्सर अपने लोकसभा क्षेत्र में उनका आना जाना रहता है, जन समस्याओं को सुनती है, और आज दावा किया गया है बड़ा 550 करोड़ के विकास कार्य उनके क्षेत्र में किए जाएंगे, ये दावा किया गया है। और अपने बयान में उन्होंने कहा कि समय दिया गया, और साथ ही अमेठी में हर रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। स्मृति ईरानी दौरे पर है उत्तर प्रदेश के, अक्टूबर में रेल मंत्री से करवाएंगे उद्घाटन। ये बड़ी कामयाबी है उस इलाके के लिए। स्मृति ईरानी ने सौगात दिया, लखनऊ कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी का बयान। ये लखनऊ में है इस वक्त, उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और वहां पर यह बयान दिया है। डीआरएम और उनकी टीम ने मुझे दिया समय, यह कहना है स्मृति ईरानी का। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में करेंगे विकास कार्य। हमारे संवाददाता आकाश यादव हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश यादव, आज बड़ा दौरा है और बड़ी जो विकास योजनाएं हैं उनके ऊपर भी स्मृति ईरानी ने बयान दिया है। बिल्कुल बता दें राज सर, बिल्कुल आप देखा जाए लगातार जिस प्रकार से विकास की बात की जाए, तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री आए सुबह, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार बैठक की, और यहाँ पे जो पोषक की बात की जाए, बाल खुद मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, उसको लेकर तमाम परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में आने वाली है और लगातार देख रहे हैं उसको बात की। लेकिन बात की उसके बाद उन्होंने, जब रेलवे की बात की जाए, तो रायबरेली और अमेठी का जो रेल खंड है उसमें विकास का कार्य बहुत तेजी से पकड़ा, क्योंकि अमेठी से जो सांसद है, और सांसद होने के बाद उसके विकास को देखते हुए लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रही है और इसके लेके बैठक की है। बैठक में जिस प्रकार देखा जाए तो ये बड़ी बात है कि विकास की बात की जाए। अब संजय जो त्रिपाठी है रेलखंड, उन्होंने कहा कि विकास कार्य होगा, आने वाले समय बहुत तेजी से होगा। खासतौर से राव जी देखा जाए तो लगातार जिस प्रकार से विकास की बात कर रही अमेठी में, तो तमाम विद्यालय वहाँ पे स्मृति ईरानी दी है, अब लाइब्रेरी अमेठी का रेलखंड भी देने की बात की जा रही है और विकास की बात कर रहे हैं राव जी। आकाश यादव, वाईफाई की सुविधा देने की बात कही गई है, जिसकी लंबे समय से मांग होती आ रही थी कि यहाँ वाईफाई होना चाहिए रेलवे स्टेशन पर, और अब बयान दिया है कि वहाँ वाईफाई भी मुहैया कराया जाएगा। हाँ बिल्कुल, साफ तौर पर जिसका देखा जाए लखनऊ से लेके तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वाईफाई है, लेकिन अब वहाँ की बात की जाए तो अभी तक वहाँ पे नहीं था, अब वहाँ पे वाईफाई देने की बात की गई है, और ये भी कहा गया कि आने वाले बहुत जल्दी की जाएगी। लेकिन अब ये देखना होगा जिस प्रकार के रेलवे विकास कार्य अपना करता है, और रायबरेली और जो रेलखंड है उसमें विकास की वहीं की बात की जाए, क्योंकि वहाँ रायबरेली एक ऐसा इलाका रहा है वहाँ। बिल्कुल आकाश यादव, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और अमेठी के लिए बड़ी सौगात उन्होंने दी है, हर रेलवे स्टेशन पर वाईफाई मुहैया कराया जाएगा और 550 करोड़ की योजनाएं भी लाई जाएंगी।